अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्टूडियो से मैं हूं सामिया शहबाज। सुबह खैर रफिया में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और साथ साथ दिन भी बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मीडिया के बारे में कि मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्री में क्या मौके मौजूद हैं और साथ ही साथ मीडिया और फ्रीलांसिंग के जरिए एक बच्चा, आज का नौजवान किस तरह से अपना मुकाम बना सकता है। उसके अलावा हम बात करेंगे अपनी मादरी जुबान उर्दू के बारे में कि उर्दू से आजकल के बच्चे क्यों पीछे भाग रहे हैं, क्यों अपनी दूरी अपना रहे हैं उर्दू से, अपनी सकाफतों को क्यों भूल बैठे हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज पैनल में हमारे साथ मौजूद है मैम सलमा कौसे और उनके साथ तशरीफ रखती है मैम साइमा खान। मैम सलमा कौसर जो है वो हम न्यूज पर सीनियर न्यूज कास्टर और साथ ही साथ प्रोग्राम होस्ट है और मैम साइमा जो है वो 20 साल से उर्दू और पाकिस्तानी सकाफत के फरोग के लिए काम करती आ रही है। इसी के साथ साथ ये माशाल्लाह से एक एनजीओ भी रन करती है और सोशल वर्क करती है। तो चलिए चलते हैं और आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी मैम, कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है आजकल, कोरोना के क्या हालात चल रहे हैं? कोरोना आपके सामने है, एक लहर कंट्रोल हुई, दोबारा से स्टार्ट हो गया और उसमें हमारी कोताही है कि हम प्रिकॉशंस नहीं लेते प्रॉपर, जो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं उन पर अमल नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंस नहीं रखते, बार बार हाथ धोना जो एक बेसिक जो है एहतियाती तदबीर है वो नहीं अपनाते। उसके बाद सब ने भूल। बिल्कुल बिल्कुल, एक वक्त था कि हमने किया उसके बाद। और वैसे भी अब हमें कोरोना को ख़त्म करने की बजाय ये सिखाना चाहिए कि हमें कोरोना के साथ कैसे जीना है। जीना है बिल्कुल, क्योंकि अब तो मुझे लगता है ये तो लाइफ टाइम चलेगा, इसलिए कि वायरस कभी भी मरता नहीं है। मरता, तो इस वायरस को हमने अपने साथ किस तरह से आशना करना है, या आप यूँ कह लें कि हमने वायरस के साथ कैसे आशना होना है ये सिखाना है, हमने वायरस से कैसे लड़ना है, कैसे उसके साथ जीना है। चलिए मैम आज अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और इस तरफ चलते हैं, दूसरे सवालों की तरफ चलते हैं। मैम सलमा, मैं आपसे पूछूंगी कि जो आपने भी मीडिया किया, मैस कॉम किया, तो आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? साइमा, इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल। आपने कहा कि मैंने मैस कॉम किया, हालांकि मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपने एक आपने गेस किया कि शायद मैंने मैस कॉम किया। मैंने वाकई मैस कॉम में मास्टर्स किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपको मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं और वो इस वक्त स्क्रीन्स पे बैठे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। अगर आप नज़र दौड़ाएं, इवन मेरे फेलो एंकर्स में इंजीनियर्स हैं, किसी ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है और वो स्क्रीन पे हैं। सो इट्स अ होल पैकेज जो आपको एक न्यूज़ एंकर बनाता है। अच्छा, अगर आपने मीडिया की फील्ड ज्वाइन करनी है तो हर बंदा स्क्रीन पे आने के लिए नहीं बना, मतलब अल्लाह ताला ने हर किसी को एक खास सलाहियत से नवाजा है ना। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा ब्यूटिशियन हो सकता है, इसी तरह हर वो बंदा जो मैस कॉम पढ़ता है, या वो बच्चा या वो स्टूडेंट, लड़की हो लड़का हो, उनको शौक होता है कि वो स्क्रीन पे आए। स्क्रीन ठीक है, अगर आप में एबिलिटीज हैं आप ज़रूर अवेल करें स्क्रीन ऑप्शन अगर आपको मिलता है, लेकिन ज़रूरी इसलिए नहीं है कि आप बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हो सकते हैं। आप प्रोड्यूसर अगर बने हो तो वो ज़्यादा स्कोप है, आप ज़्यादा सीखते हैं। साइमा, स्कोप में भी ना सामिया सॉरी इस स्कोप में एक और प्रॉब्लम ये है कि जब हमने मैस कॉम किया था हमें बताया जाता था बहुत स्कोप है, आप पीआर फील्ड में जा सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हैं, आप बहुत सारे काम हमें बताए जाते थे जो प्रैक्टिकली नहीं होते। मैं प्रोड्यूसर थी, मैंने स्क्रीन पर स्विच किया आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ माई करियर और उसके बाद मैंने डिफरेंट चैनल्स के साथ काम किया। स्कोप जो है वो आप खुद डिसाइड करते हैं अपने लिए। अगर आपने मैंने जब एडमिशन लिया मेरे गोल्स क्लियर नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने इसी तरह जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे कि मैस कॉम पढ़ना है, जी मैस कॉम का एक चार्म होता है लेकिन आगे स्कोप उस तरह से नहीं होता है। इस्लामाबाद बड़ा छोटा सा शहर है, अगर आप हेड ऑफिसेस काउंट करें तो आप
दो से तीन चैनल्स होंगे, पीटीवी, हम न्यूज और जो पुराना है सोनी धरती। अब सोनी धरती भी एक छोटा चैनल है या रोज टीवी, बहुत ज्यादा हेड ऑफिसेज नहीं है। अब जो ब्यूरो ऑफिसेज होते हैं जियो का, समा का, ये ब्यूरो ऑफिसेज हैं। ब्यूरो में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होते, वहां पे क्या जरूरत होती है, आपके तीन चार रिपोर्टर्स होंगे, कैमरामैन होंगे। तो जब स्टूडेंट खेप पूरी तैयार होकर निकलती है हर यूनिवर्सिटी से, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अब वो कहाँ जाए? न्यूज़पेपर में कोई जॉब नहीं करना चाहता, हालांकि न्यूज़पेपर में भी जर्नलिस्ट ही होते हैं, वो भी खबरें बना रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है, रिपोर्टर्स होते हैं। असल में अब ना पढ़ते नहीं हम न्यूज़पेपर। हाँ, उर्दू का न्यूज़पेपर ले लें, कौन पढ़ता है, कोई भी नहीं। बल्कि जैसे मैं थी, अब ना बताऊँ, मैं न्यूज़पेपर में से वो खोलती थी, पज़ल्स खोलती थी, गेम्स खोलती थी, या कोई स्टोरीज खोलती थी, वो मैं पढ़ती थी। लेकिन अब आप देखें, अब कोई बच्चा, अब उसको कहो ना बेटा न्यूज़पेपर पढ़ लो, स्मैश पढ़ लो, वो कहेगा नहीं नहीं हमने नहीं ये पढ़ा। अच्छा, वैसे अब लोग बुक्स को पढ़ने में भी बड़े रिलेक्टेंट होते हैं, लोग अपने कोर्स के बुक्स नहीं पढ़ते, नहीं बच्चे आज के लिए। बिल्कुल, अब आजकल ना ज़्यादा इंग्लिश नॉवल्स पढ़ लिए, तुमने ये पढ़ा, तुमने ये पढ़ा, ये होता है। उर्दू के नॉवल्स का तो होता ही नहीं है। मैम साहब, आप इस बारे में बताएं ना कि अब जो उर्दू हमारी कितनी प्यारी ज़ुबान है, कितनी मीठी ज़ुबान है, बिलाशुबा सामिया, उसको लिखने में बोलने में बच्चों का मसला क्या आ रहा है, नहीं लिखते हैं। बहुत खूबसूरत ज़ुबान है, प्यारी, और कुछ पुरानी तरीन ज़ुबानों में से एक ज़ुबान, तकरीबन 12वीं सदी में मीठी ज़ुबान। और अगर आप इसको गूगल करें तो दुनिया की चंद मीठी तरीन ज़ुबानों में से एक ज़ुबान उर्दू है। बिल्कुल। और उर्दू ज़ुबान की एक और बहुत ही शाइस्ता और ख़ूबसूरत बात यह है कि ये एक बहुत इसके अंदर बहुत अपनाइत और बहुत गहरी ज़ुबान है। ये आप अपने तासुरात, अपने जज्बात का इजहार उर्दू ज़ुबान से बेहतर किसी और ज़ुबान में नहीं कर सकते। सही बात है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमारी मादरी ज़ुबान है या हम इसको बोलते हैं, ये एक रिसर्च के मुताबिक जितने खूबसूरत अल्फाज किसी भी जज्बे को जाहिर करने के लिए हमारे पास उर्दू में मौजूद हैं, किसी और ज़ुबान में इतने ज़्यादा अल्फाज या इतनी वोकैबुलरी हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से आज हम स्विच कर गए हैं दूसरी ज़ुबानों के ऊपर, और आज से अगर आप कुछ दो दिहाइयाँ पीछे चले जाएं तो एलियन लैंग्वेजेस या जो फॉरेन लैंग्वेजेस थी उनको बोलने वाले लोगों को बहुत हैरानगी से देखा जाता था। हाँ, और आज अपनी मादरी ज़ुबान बोलने वाले नौजवानों या लोगों को उनको बहुत हैरानगी से देखा अच्छा जाता उर्दू है बोलते हो? कि अच्छा इतनी शाइस्ता और इतनी शुस्ता उर्दू बोल लेते हैं ये, और हम इसको समझते हैं कि शायद हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये हमारी तनज़ुली है। कोई भी कौम अपनी सकाफत, अपनी ज़ुबान और अपनी कौमी पहचान को छोड़कर कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपने देखा है कितनी डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपनी लैंग्वेज में तरक्की की है। तकरीबन तमाम ममालिक, चाइना हमारे पास इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, और उनका जो बयानिया था वो इतना शदीद था इस चीज़ के ऊपर कि वो तजारत नहीं करेंगे, वो अपनी जो उनकी किसी भी किस्म की दूसरे ममालिक के साथ उनकी खारजी पॉलिसीज़ हैं वो उस पर बात नहीं करेंगे जब तक उनकी ज़ुबान में बात नहीं की जाएगी। और देखें, दुनिया और सारे पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो उनकी तरफ दौड़े सिर्फ इसलिए कि उनको ज़रूरत थी उनकी, और ट्रांसलेटर्स और तर्जुमान और जो जो कुछ भी उनको करना पड़ा। और अब जब चाइना अपनी एक साख बना चुका है, अपने आप को मनवा चुका है टेक्नोलॉजी में, साइंस में, अब उन्होंने अपने सिलेबस में इंग्लिश को शामिल किया है, अब उन्होंने शामिल किया है। तो अगर हमारा नौजवान ये समझता है कि अंग्रेज़ी के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते तो ये एक बहुत काबिल अफसोस सोच है। हाँ, एक बैनुल अक्वामी ज़ुबान की हैसियत से अंग्रेज़ी का इल्म होना, इससे रूशनास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा तालीमी जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऊपर ही बुनियाद करता है। बिल्कुल।
ये एक गलत सोच है और ये गलत रकम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप मेरी बात से आई होप इत्तेफाक करेंगी कि ऐसा एक दिन में नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली हुआ और एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि वो लड़का या लड़की जो अंग्रेजी में बात करेगा वो एजुकेटेड कंसिडर होगा, उसको बहुत पढ़ा लिखा समझा जाएगा और उसका ताल्लुक भी सुपीरियर क्लास से कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सलमा, मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप दो दहाइयां पीछे मतलब 20 साल पीछे चले जाएं तो अंग्रेजी जुबान बोलने वालों को लोग हैरत से देखा करते थे। True. और अब उर्दू, अच्छी उर्दू बोलने वाले लोगों को, और अगर आपने अच्छा लिबास पहना हो, आप अपना अच्छा तारुफ कराएं कि मैं इस फलां तालीमी इदारे से मैं ग्रेजुएट हूँ, या तो लोग आपको बड़े हैरान होकर देखते हैं कि फिर भी आप उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं और उर्दू को आप काबिल फ़ख्र समझते हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल बतदरीज हुई और आज हम इस ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हम वो जो हमारी असल उर्दू जुबान थी उससे असल में हम नावाकिफ हो चुके हैं। हमें भी नहीं आती जो असल उर्दू जुबान है, हमें जैसे हम अगर पंजाबी फैमिली से, हमें पंजाबी का भी नहीं पता होगा वर्ड क्या है, क्योंकि हमने सारा इंग्लिश को कल्चर को अपना लिया है, इंग्लिश लैंग्वेज को अपना लिया है। उर्दू हमें, असल उर्दू तो हमें आती नहीं आज के बच्चे को, और आज के बच्चे को तो अगर आप बताएंगे ये लिखो या करो उर्दू में तो वो बच्चा भागता है दूर, वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने उर्दू नहीं पढ़नी। हाँ, मेरा और प्रेफर करते हैं, बच्चे तरजीह देते हैं कि वो रोमन में लिख लें। मैंने खुद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बकायदा नोट्स भी रोमन में बना रहे होते हैं, उनको उर्दू लिखनी नहीं आती। और ये बात, इस बात पर ना वालदैन फिक्रमंद है, ना हमारे तालीमी इदारे इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। कहने को उर्दू हमारी दफ्तरी जुबान है, लेकिन आपके दफातर के तमाम जो दस्तावेजात हैं वो आज भी अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे कॉल और हमारे फेल में इतना तजाद आ चुका है कि हम एक बुनियादी तौर पर एक कन्फ्यूज्ड कौम बन चुके हैं, जिनको खुद भी कुछ नहीं पता कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है, या उन्होंने आगे क्या करना है, या उन्होंने आगे क्या करना है। सलमा, आप ये बताइए कि एक अच्छा न्यूज़ एंकर बनने के लिए किन मराहल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आज का बच्चा, हर बच्चा चाहता है कि मैं टीवी पे आऊँ, मैं न्यूज़ एंकर बनूँ, होस्ट बनूँ किसी प्रोग्राम का, तो उसके लिए किन किन फेज से गुजरना पड़ता है, स्पेशली लड़कियों के लिए बताएं। सामिया, एक तो कहा यह जाता है कि लड़कियों के लिए आसान नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट बीइंग लड़का और लड़की, ये सबके लिए एक जैसा प्रोसेस है, चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, ये सबके लिए एक जैसा प्रोसेस है। हाँ, कहीं पे अगर किसी को कोई एग्जेम्पशन मिलती है तो उसकी कोई खास वजह हो सकती है, लेकिन नॉर्मली एक ही प्रोसेस सबको फॉलो करना पड़ता है और वो ये होता है कि जैसे मैंने पहले बात की, इट्स अ कंप्लीट पैकेज, आपकी उर्दू भी अच्छी हो, आप थोड़े से प्रेजेंटेबल मतलब गुड लुकिंग भी हो। अल्लाह ताला की तख्लीक बहुत खूबसूरत है, हर इंसान इंडिविजुअली खूबसूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जब चैनल मालिकान भी देख रहे होते हैं कि जब हमने एक ऐसे बंदे को स्क्रीन पर बिठाना है जो उनके चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ को वो भी देखते हैं। फिर उसके बाद आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपके साथ टेलीफोन लाइन पे कोई पॉलिटिशियन है या कोई लेट्स सपोज कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बंदा है, तो आप उससे सवाल जवाब करने की अहलियत रखते हो। ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक बैठे हो, अगला बंदा क्या बोल रहा है आपको समझ ना आ रही हो, या आप उसकी बात से सवाल ना निकाल सकें, आप आगे ना बढ़ा सकें बात। अगर आपको नॉलेज ज़्यादा होता है ना, तो अगला बंदा जैसा भी हो, आपको पता है मैं तो ठीक बैठा हूँ, हाँ, मुझे पता है मेरे से क्या करना और है, आप किस तरह से आप अगले बंदे की करेक्शन भी कर सकते हैं। वरना पिछले दिनों आपने हमारी जो वजीरे मुमलिकत बराए माहौलियात है सरताज गुल, अगर आपने उनका एक क्लिप देखा हो, एंकर वॉज लाइक दिस, वो कह रही है COVID-19 का नाम COVID-19 इसलिए कि इसके 19 पॉइंट्स हैं, एंड एंकर सेज सो आपका अपना नॉलेज बहुत काउंट करता है। मतलब ये क्राइम है कि अगला बंदा गलत बात कर रहा है, आप एजुकेट करने के लिए स्क्रीन पे बैठे हैं और आप उसकी करेक्शन नहीं कर रहे, सो इट्स अ क्राइम। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आप में होनी चाहिए। फिर जब आपने स्क्रीन पे आना है, पहले तो आप कोई इंटर्नशिप करते हैं ताकि आप उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाएं, आपको पता हो कि आपने माइक और IFP कैसे लगानी है, आपको ये पता हो कि आप किस वक्त ऑन एयर हैं, किस वक्त स्क्रीन पे फुटेज आ रही है, ये चीज़ें आपको पता हो। जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा 2 मंथ में चीज़ें पिक कर ले, किसी को 6 माह भी लग सकते हैं, किसी को साल भी लग सकता है, किसी को 2-3 साल, हाँ, ये तो आपकी अपनी एबिलिटीज़ पे है। फिर उसके बाद आपका एक फाइनल स्क्रीन टेस्ट होता है, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि आप
स्क्रीन पे ऑन एयर जा सकते हैं. फिर ये होता है यूजुअली कि जो नए एंकर्स होते हैं उनको नाइट शिफ्ट में ऑन एयर किया जाता है, क्योंकि नाइट में लोग कम देखते हैं ना टीवी पाकिस्तान में. दूसरी कंट्रीज़ में तो हमारा टाइम डिफरेंस है, तो जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो तो इस तरह का रिस्क भी मुश्किल से लेते हैं. लेकिन पाकिस्तान में ऐसे होता है कि वुमेन नाइट से स्टार्ट करवाया जाता है एंकर को, ताकि उसके जो फ्लॉज हैं वो ख़त्म हो जाए. आहिस्ता आहिस्ता वो जो बंदा नया स्क्रीन पर ऑन एयर हुआ है वो सवाल करना सीखता है, फिर वो लाइव फुटेजेस को डिस्क्राइब करना सीखता है. इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मरहलावार सीखी जाती हैं. सो इट्स नॉट ईजी एट ऑल, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है. ऐसा नहीं कि हर कोई कर सकता है, और ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं कर सकता. मतलब हमारी तरह के इंसान होते हैं ना जो करते हैं कोई भी काम. तो ये हमें अपनी एबिलिटीज को देख के डिसाइड करना है कि हमने अगर हमने स्क्रीन पे भी आना है तो हमने रिपोर्टर बनना है, हमने एंकर बनना है, हमने तजियाकार बनना है, या हमने कोई और. तजियाकार ऐसे नहीं होता कि आपने विश के और बन गए, वो तो जाहिर है आपका नॉलेज होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, फिर आप बनते हैं किसी भी फील्ड. लेकिन आपको पहले रिपोर्टिंग से स्टार्ट करें करते करते जो फर्स्ट. हाँ, डिपेंड्स के आपके. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एंकर बनते हैं, न्यूज एंकर. बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट प्रोग्राम एंकर भी बन जाते हैं. सो डिपेंड करते हैं आपकी एबिलिटीज क्या हैं, आप उस वक्त के हालात वाकयात क्या हैं, किस तरह से आप ऑन एयर जा रहे हैं. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये वो फेजेस हैं जो आम तौर पर एक बंदा जो स्क्रीन पे आ रहा है. अगर आपने रिपोर्टर बनना है, रिपोर्टर के लिए कंपैरेटिवली न्यूज़ एंकर से इजी सिचुएशन है, क्योंकि उसने सिर्फ जो उसके इर्द-गिर्द हो रहा है उसने जस्ट वो डिस्क्राइब करना है. सो रिपोर्टर के लिए कंपैरेटिवली इजी है. न्यूज़ एंकर ने क्योंकि बैठना है 8 घंटे तक, अगर उसको एक पॉलिटिशियन फोन लाइन पे दे दिया गया और कहा गया कि आपने अगले 15 मिनट इस बंदे को इंगेज रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पूछना है. जो पूछ रहे हैं या जो बात आप कर रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो. आप कोई ऐसा फ्लॉ ना छोड़ें जिससे चैनल की बदनामी हो, जो आपके लिए जो एक माइनस पॉइंट हो, ये नहीं होना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही. मैम साइमा, आपसे मैंने पूछना था कि आप जो है नौजवान, इसको हम किस तरह से वापस उर्दू की तरफ लेके जाएं, किस तरह से होता है ना, हम उनमें क्या चीज़ ऐसी डेवलप करें, उनको क्या ऐसा दिखाएं कि वो बच्चे कहें कि हमने उर्दू भी सीखनी है. अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें उर्दू पे आनी चाहिए. देखिए सामिया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये चुटकी बजाते या रात भर में कुछ हो जाए. जैसे 20 साल कम अज़ कम इस तनज़ुली को लगे, उसी तरह हो सकता है 2 से 3 दहाइयाँ अब इसको वापस लाने में लगें. इसके लिए एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा जिसमें हम अपने बच्चों को, नौजवानों को उर्दू ज़ुबान से उनका तारुफ़ कराएं. अभी मेरा ख़्याल है कि एफ़ए के बाद उर्दू ज़बान हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है. नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है उर्दू, पढ़ाया जाता है. लेकिन अपनी जो आपकी फील्ड होती है ना, उससे रिलेटेड पढ़ाया जाता है. तो और उसके बाद फिर आपको पता है उसमें जब यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, वो बीच का जो गैप होता है हमारे लिए वो कवर करना बड़ा मुश्किल होता है. कवर करना मुश्किल हो जाता है कि हम उर्दू कैसे लिखेंगे, कैसे वर्ड कैसे लिखेंगे. बिल्कुल. और आप लिखना तब तक नहीं सिखा सकते जब तक आप बोलना ना सिखाएं. अल्लाह सुभान व तआला ने आपको एक निज़ाम के तहत पैदा किया है ना. आप जो बच्चे डेफ होते हैं, जो सुन नहीं सकते, बहरे होते हैं, वो बोल भी नहीं सकते. तो जब तक हम अच्छी उर्दू सुनेंगे नहीं, हम अच्छी उर्दू बोलेंगे भी नहीं. अब अच्छी उर्दू सुनने के लिए हम अच्छी उर्दू बोलने वाले लोग कहाँ से लाएं? अब बदकिस्मती है कि चंद नाम जो हमारी तहजीब और हमारी तारीख का बहुत बड़े बड़े नाम थे, वो अब हमें मौजूद नहीं है. अब उनके ज़रिए उर्दू सीखने का एक वाहिद तरीक़ेकार ये है कि उनकी किताबों को मुतारिफ़ कराया जाए. हमारे तालीमी इदारों में एक लाइब्रेरी का एक निज़ाम है, अभी भी है, मुतारिफ़ कराया जाए, जिसमें उर्दू ज़ुबान के ऊपर फोकस किया जाए, जिसमें उर्दू की किताबों को अलग से उर्दू का बने. वो भी शायद करामत ना हो, लेकिन कम अज़ कम पाबंद कर दिया जाए हर तालिबे इल्म को कि वो उर्दू की किताब पढ़े. अभी पिछले दिनों एक शो में हमने बात की कि हमारे तालिबे इल्मों को, हमारे छोटे जो नर्सरी के बच्चे हैं, उनको अपने वेस्ट के, अपने तो नहीं कहना चाहिए, उनको वेस्ट के तमाम हीरोज़ के बारे में इल्म है, उनको वेस्ट के सारे कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में इल्म है, लेकिन वो अपने हीरोज़ के बारे में कुछ नहीं जानते. इसलिए कि वो हीरोज़ अब कहाँ हैं? वो तो किताबों में हैं, और किताबें लाइब्रेरीज़ में हैं. कोई भी नहीं जाता. तो अब जरूरत इस बात की है कि
उन तक रसाई की जाए जी। उनको इतनी दिलचस्प अंदाज में उनको बताया जाए, उनको जुबान से रोशनास कराया जाए कि बच्चा क्या वजह है, आखिर इसकी कोई नफसियाती वजह भी होगी कि वो बच्चा जो 3 या 4 साल का जब स्कूल जाना शुरू करता है या स्कूल से पहले भी, तो वो इंग्लिश जुबान से या अंग्रेजी जुबान से इतना घबराता क्यों नहीं है जितना वो उर्दू जुबान से घबराता है। ये कहीं ना कहीं से तो ये काम शुरू हो रहा है। तो तालीमी दौरों से पहले ये काम कहाँ शुरू हो रहा है? ये घर से शुरू हो रहा है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर वो आपको इंग्लिश बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ब्रॉटअप कर रहे हैं उस पॉइंट में, तो वो साथ साथ आपको उर्दू भी बताएं, उर्दू में भी बात करें। उनको, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी मादरी जुबान है। और दूसरा, उर्दू जुबान की एक और बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि जो अच्छे उर्दू बोलने वाले आपने देखे होंगे, आप उनको अगर जायजा लेंगी तो उनके लहजे बहुत मीठे होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो जुबान उर्दू बोली जाती है ना, वो एक मिक्सचर है जुबानों का, जिसमें एक करख्तगी सी आ गई है, तो उस मिठास को वापस लाना पड़ेगा जो उर्दू जुबान के साथ मंसूब थी। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैं अंग्रेजी लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था, मैं अंग्रेजी में लिखा करती थी, मेरे अंदर आर्ट और इस तरह की चीज़ें कुछ पैदाइशी तौर पर इनसे मोहब्बत थी मुझे उनसे, थी मैं लिखा करती थी लेकिन एक तशनगी सी रहती थी। मुझे, मैं लिखती थी पोइम्स और नज़में लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता था। मुझे लगता था कि मैं वो इजहार जो करना चाहती हूँ वो सही से नहीं हो नहीं रहा। मेरे साथ भी यही होता है कि अगर मैं इंग्लिश में लिख रही होती ना, मुझे कहती हूँ कि नहीं उर्दू में मैं ज़्यादा अच्छा लिख सकती हूँ, मैं अपनी जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करना है मैं उसको उर्दू में ज़्यादा अच्छा बयान कर सकती हूँ। और फिर ऐसा नहीं था कि मैं उर्दू में बहुत अच्छा लिख सकती थी उस वक्त पर। जाहिर है जिस इदारे से मैंने पढ़ा वो भी अंग्रेजी लिटरेचर एक तो सब्जेक्ट और इदारा भी इस तरह का, तो हम अंग्रेजी ही ज़्यादा बोलते थे, वही लिखते थे, लेकिन वो एक तशनगी रहती थी। वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको तब्दील करना है और मुझे उर्दू सीखनी है। उर्दू हम बोलते थे तब भी लेकिन इतनी रवानी या इतनी जो शाइस्तगी है उसके साथ नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू पर कुछ लिखना शुरू किया, डायरी लिखनी शुरू की, और फिर डायरी के लिए हमने कुछ बड़ों को वो दिखानी शुरू की, और वहाँ से वो एक उर्दू की ज़ुबान की तरबियत का आगाज़ हुआ। लेकिन आज वो सब चीज़ें हमारे पास उनका फुकदान है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को और नौजवानों को इस उर्दू ज़ुबान की मिठास से आप इससे मुतारफ़ कराएँ, और जब ये इससे मुतारफ़ होंगे तो फिर उसके बाद ये इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। छोटे छोटे खूबसूरत अल्फाज उनसे तारुफ़ करें, कहानियाँ उर्दू में सुनाएं। और मुझे लगता है कि हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, कॉलेजेस में, किसी न किसी एक तारीखी हीरो की किताब को उर्दू में पढ़ाया जाना चाहिए और उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना चाहिए। पर आप देखिए, आपके हमसाया मुल्क ने आज से कितनी सदियों पुरानी एक ऑटोमन एम्पायर को जिंदा कर दिया। बिल्कुल, हाँ जी, अब हर जुबान में उसको तर्जुमा करके और लोग उसको देख रहे हैं, वो तारीख दोबारा जिंदा हो गई। वो लिबास, वो तारीख, वो तमाम चीजें, वो अब लोग उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप ये सारी जिम्मेदारी किसी एक शोबे पर डाल देंगी तो यकीनन नाइंसाफी होगी। इसमें मीडिया, इसमें तालीमी इदारे, इसमें घरों के माहौल, इसमें हर चीज को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। जी बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ छोटी सी ब्रेक का वक्त होता है, तो देखते रहिए सुबह खैर FUI। आपसे थोड़ी छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सुबह खैर FUI में खुश आमदीद कहती हूँ दोबारा से आपको। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थी सलमा कौसर और उनके साथ ही मैम साइमा खान। हम गुफ्तगु कर रहे थे मीडिया और उर्दू जुबान के बारे में। तो मैम साइमा खान से मैं पूछना चाहूँगी कि
जो हमारे हमारे वालदैन ने हमें पोइट्स का बताया, जो हमारे थे गालिब इकबाल, इनके बारे में हमें बताते थे और उनको पढ़ाते थे, आज के बच्चों में वो चीज़ नहीं है. वो बाहर के पोइट्स को जानती हैं, बाहर के लोगों को जानती हैं कि फ्लाम बुक पढ़ी है, फ्लाम बुक बहुत अच्छी है और इस तरह से है. लेकिन आज के बच्चे हमारे वाले उनको इकबाल को, हमारे जो मीर तकी मीर हैं, इन लोग इनको बिल्कुल भी नहीं पहचानते ना इनको जानते हैं. सामने ये जिन शायरों का आप नाम ले रही हैं तो पिछली सदी के शायर हैं. हाँ जी, इनको तो फिर भी हम कुछ ना कुछ जानते हैं. हम जानते हैं ना, लेकिन के शायर जनरेशन के बच्चे नहीं जानते. इस जनरेशन के बच्चे इसलिए नहीं जानते, जानेंगे अपने वक्त पर. लेकिन असल मसला ये है कि हमने एक एक जगह, एक खास मकाम तक बस वो रोक दिया सिलसिला. इस सदी के शायरों से, इस सदी के अफसाना निगारों से, इस सदी के कॉलम राइटर्स से, उनसे कितना वाकिफ हैं आप लोग? अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ सफरनामों के बहुत सारे ऐसे खूबसूरत मुसन्निफ़ हैं जिनके बेतहाशा सफरनामे हैं, जो उनके साथ मंसूब हैं और उन्हीं के लिए वो मशहूर हैं, तो शायद आप कुछ कुछ के नाम भी मुझे ना बता सकें. बिल्कुल ना बता सकें. हम आपकी उसमें होता है चैनल्स में डिस्कशन वगैरह अबाउट जो पोइट्स हैं और जो हमारे, अगर बिल्कुल लेके आना चाहे तो हम चैनल्स के थ्रू कैसे नहीं लेके आ सकते. सामने मीडिया का काम ही एजुकेट करना है, तो होना तो बिल्कुल चाहिए. लेकिन होता क्या है कि इवेंचुअली जब किसी की डेथ एनिवर्सरी होती है, किसी का यौम पैदाइश होता है, तो उस दिन एक पैकेज चला दिया जाता है कि हमारे बड़े अच्छे शायर थे, ये हुआ. अब जो हमारे मौजूदा दौर के शायर हैं, बड़े अच्छे अच्छे बड़े नाम हैं, लेकिन हम उनको उस तरह से उनकी ज़िंदगी में अप्रिशिएट नहीं कर पाते, हम उनके लिए ऐसा कुछ कर नहीं पाते कि हम उनकी खिदमात का एतराफ़ कर सकें. वो हमारी ज़बान के लिए, हमारी कौम के लिए जितना कुछ भी कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाती है, हम उनके नाम से कोई यूनिवर्सिटी मंसूब कर देते हैं, कोई रोड मंसूब कर देते हैं, ऐसा होता है ना. तो असल इदराक उनकी जो खिदमात है उनका ये है कि हम उनकी ज़िंदगी में उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनका नाम पूरी दुनिया में पहचाना जाए. बहुत सारे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे शायर हैं आज के, इवन यंग बड़े अच्छे शायर आ रहे हैं. आपने इससे पहले फैज़ और गालिब का जिक्र किया, अलामा इकबाल का किया, लेकिन अगर आप आजकल के दौर में देखें तो बड़े अच्छे अच्छे नाम, रहमान फारिस हमारे उर्दू के बड़े अच्छे शायर हैं, उसके अलावा उमैर नजमी हैं, बहुत सारे अच्छे नाम हैं. लेकिन ये कि हमारे यहाँ उस तरह से उनको वो वक्त नहीं दी जाती जो वो डिज़र्व करते हैं, उनको उस तरह से हम एडमायर नहीं कर पाते, उनका जो ड्यू शेयर है हम उनको नहीं दे पाते. तो इसके लिए हमारी ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि हमारी कौम को भी सोचना चाहिए. हम बहसियत इंसान, पाकिस्तान के शहरी या बीइंग स्टूडेंट, आप लोगों को चाहिए कि उनको ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उनको अपनी पोर्ट्रे करके दिखाएं, किसी मैसेज कोई दे. असल में सामिया मुझे लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम आपको सिर्फ एक डिग्री, कागज़ की एक डिग्री पकड़ा देता है और कहता है कि जाओ और रोज़ी ढूंढ लो. इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमने अपने रिस्क की कुंजियाँ किसी हद तक अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ मंसूब कर दी है, कि जो इस ज़ुबान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक महारत रखता होगा, उसकी बहुत सारी जो और उसकी शख्सियत में जो कमियाँ हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान की महारत उन कमियों को पूरा कर लेगी. और हम देखते हैं कि ऐसा होता भी है. अब देखिए, इंटरव्यू देने जाती हैं तो उसमें अगर आपको इंग्लिश अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है उसमें, तो वो कहते हैं इसको तो कुछ आता ही नहीं है. बिल्कुल. और बहुत सारे तो जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें ये चीज मेंशन होती है कि अंग्रेजी जुबान में फ्लुएंट होना जरूरी है. ठीक है, आप किसी भी कॉल सेंटर में चले जाएं, आप किसी भी पब्लिक सर्विस के उसमें चले जाएं या कस्टमर केयर के इदारे में किसी में भी चले जाएं, वहाँ पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में आपका माहिर होना ज़रूरी समझा जाता है. तो इसकी क्या वजह है? क्या हम उर्दू ज़ुबान में अपने कस्टमर्स को मुतमईन नहीं कर सकते? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? करना चाहें तो. उसके बाद जो चीज़ मैंने, ठीक है मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात होनी चाहिए कि आपको दोनों में
लेवल रखना चाहिए। ये तो कहीं पर कभी भी किसी ने नहीं कहा कि आपको अंग्रेजी जुबान को पढ़ना या सीखना नहीं चाहिए, वो एक बैन अलावामी जुबान है, आप उसको उस हद तक पढ़ो, आपको उस हद तक आनी चाहिए, उसको पढ़िए, ठीक है, लेकिन उसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लेना ये ज्यादती है। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाए, जब दो कौमियत के लोग आपस में मिलते हैं, वो चाहे दुनिया के किसी और तीसरे मुल्क में मिले, वो अपनी जुबान में बात करते हैं, वो उस पर खुशी महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने कौम को देखें, ये कहीं पर भी चले जाएंगे, ये एक दूसरे से अच्छी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करके एक दूसरे को मुतासर करने की कोशिश करेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे। और ये कल्चर बदकिस्मती से पंजाब में ज्यादा है। आप देखें सिंधी जहाँ पर भी दो लोग मिलेंगे वो सिंधी में बात करेंगे, पठान अगर मिलेंगे तो वो उर्दू छोड़कर अंग्रेजी छोड़कर वो पश्तो में बात करेंगे। लेकिन ये पंजाब के इलाके में जब भी कहीं दो पंजाबी लोग मिलेंगे वो पंजाबी में बात करना अपनी तौहीन समझेंगे और वो अपनी अंग्रेजी जुबान में ही गुफ्तगू करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर जो एहसास कमतरी है या बेहतरी और बढ़तरी को हमने अंग्रेजी जुबान के साथ जो मंसूब कर दिया है, इसको हमें अपनी नौजवान नस्ल को इसके बारे में इत्मीनान देना होगा। देखिए ना, अगर एक बच्चा प्रोनाउंस गलत कर रहा है किसी वर्ड को, क्लास में पूरे बच्चे बैठे हैं हंसने शुरू कर देंगे कि इसको तो आती नहीं है। आती नहीं की बात नहीं, अब आप वालिदैन की भी जरा सी सोच देखें, जब बच्चा बोलना शुरू करता है वो उर्दू के गलत अल्फाज बोल रहा होता है तो हम उन अल्फाज को सही करने की बजाय वो अल्फाज खुद भी अपना लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और जब अंग्रेजी में कोई बच्चा कोई गलत लफ्ज प्रनाउंस कर रहा होता है तो हम वहीं पर उसको उसकी तसहीह करते हैं कि ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है कि तुम्हें अंग्रेजी लहजे में ये बात प्रनाउंस ये लफ्ज बोलना नहीं आ रहा, जबकि अपनी जुबान को हम जब वो बच्चा बिगाड़ के बोल रहा होता है तो हम उसको तसहीह करने की बजाय उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत शुरू से ये काम खराब होना शुरू हो जाता है। उर्दू जुबान के साथ ज्यादती तो दिन रात हमारे घरों में हो रही है। अब आप देख लें मोबाइल पर जब आप मैसेज लिखते हैं तो उसमें जो अंग्रेजी नहीं भी जानते वो रोमन पर लिखते हैं और रोमन में का सबसे बड़ा नुकसान, अंग्रेजी से भी ज्यादा नुकसान उर्दू जुबान को रोमन ने पहुंचाया। इसलिए कि एक लफ्ज को हर फर्द एक अपने ही तरीके से लिखता है। हाँ जी, ठीक है। और फिर जब जिस तरह से लिखा जाता है वो उसको उसी अंदाज में, कैसी हो किसी ने लिखना है तो वो के डिफरेंट स्पेलिंग है ना, हर कोई अपने मतलब से लिखता है। बिल्कुल। और जिस तरह अंग्रेजी जुबान में फोनिक्स आपने देखा होगा, हाँ जैसे ए अ बी ब, इसी तरह उर्दू जुबान को मजीद उसकी तशरीह करने के लिए हमारे पास एराब होते हैं, जेर जबर पेश, जबकि रोमन में वो होते ही नहीं है। और जहाँ हमारा दिल करता है हम जेर लगा लेते हैं, जहाँ दिल चाहता है वहाँ जबर लगा लेते हैं। तो ये छोटी छोटी सी तफसीलात होती हैं किसी जुबान की जो कि हमने तबाह करनी शुरू कर दी। बल्कि मेरा तो यहाँ तक भी ख्याल है कि ये जो सदी है हमारी 21वीं सदी, इसमें हमने सिर्फ उर्दू जुबान के साथ ही नहीं, ये कोई लिंग्विस्टिक लिसानियत के ऊपर ही ये सदी जो है ये बुरी तरह असरअंदाज हुई है। जैसे अगर आप अंग्रेजी जुबान को भी लें तो ब्रदर की जगह ब्रो। ठीक है। अब वो जो बोला जाता है कूल जी, अब वो के से लोग लिखना शुरू कर दिए, इसलिए के से लिखे जाने वाला वाकई कूल समझा जाता है और फंकी समझा जाता है। एक्स जो है वो ऐसे, ठीक है। तो ये सदी 21वीं सदी बुनियादी तौर पर ये लिसानियत के लिए बड़ी तबाहकुन साबित हुई है। मैम सलमा, आप ये बताइए कि जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है उसका दौर तो बिल्कुल ही एक तरह से ना जवाल पे जा रहा है, जवाल का शिकार हो चुका है, तो डिजिटल इंडस्ट्री में आज के नौजवान के लिए क्या क्या मुकाम है, क्या क्या मौके मौजूद हैं, वो किस तरह से अपना मुकाम बना सकते हैं? ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है, जवाल इस तरह से है कि हर घर में टीवी मौजूद है, देखता तो हर कोई है, लेकिन जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो बहुत वेल पेड नहीं होते, फिर उनको महीनों तक सैलरीज नहीं मिलती, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, इस हवाले से तो जवाल है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होने के करीब है, ऐसा नहीं है।
ज़्यादा की जगह कम पैसों वाले लोग आ जाते हैं, लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन काम चलता रहता है वक्त के साथ साथ, वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन आजकल जो आपने दूसरी बात की, सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में आपके पास यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, हर जगह पे खबरें आ रही हैं, आपने 4-6 चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपके पास फौरन से पहले न्यूज़ आ जाती है। इवन टीवी चैनल अगर वेट कर रहा है रिपोर्टर से कंफर्म करने का, तो आपके पास सोशल मीडिया पे आ जाता है। अब अक्सर चीजें ये होती हैं कि हमारे पेरेंट्स कह रहे थे कि तुमने वो न्यूज चैनल पे देखा कि ये न्यूज आई है, तो हमें पहले से पता होता है कि वो तो सोशल मीडिया पे है, हम तो फेसबुक पे देखे, हमने इंस्टाग्राम पे देखे। लेकिन सामिया, जो सोशल मीडिया है ना, ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये स्टूडेंट्स के लिए इतना कोई बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत कोई फ्रूटफुल चीज़ नहीं है। आप सोशल मीडिया पे आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं, या जिन लोगों ने अपने सोशल मीडिया सेल्स बनाए हुए हैं, इवन जो वेब चैनल्स हैं वो कम स्टाफ हायर करते हैं, उनका सेटअप और तरह से चलता है, लेकिन जो एक सैटेलाइट चैनल है, जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री है, उसका स्कोप अपनी जगह मौजूद है, उसकी इम्पोर्टेंस अभी तक बरकरार है। आने वाले दौर में शायद ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो जाएं और फिर ये सब ना रहे ऐसा, लेकिन अभी तक जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री है वो अपने उरूज पर है, अगर हम इंडस्ट्री के लिहाज से देखें। लेकिन ये है कि वर्कर्स पे अभी इस वक्त जवाल है, कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, तो जॉब्स कम है। ना, ब्लॉगर्स हैं और व्लॉगर्स हैं, वो फिर किस तरह से अपना, उनको बहुत वक्त लगता है। वो पहले तो व्यूअरशिप ग्रैब करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। जब आपने व्यूअरशिप ग्रैब कर ली, उसके बाद ये होता है कि आपका चैनल बहुत अच्छा देखा जाने लग गया, फिर आपको आर्ट्स के हिसाब से यूट्यूब पे पैसे मिलने लग जाते हैं, या फेसबुक आपको एड्स देना शुरू हो जाता है, अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन ये यू कैन से 50% केसेस में होता है ऐसा। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं चला, कोई 400 के करीब सब्सक्राइबर थे, जिसके बाद मुझे उसको स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है। आप एक वीडियो डेली एक नए आइडिया के साथ शूट करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर आप उसको ऑनलाइन चढ़ाते हैं, उसको उसके बाद आप देखते हैं, अच्छा 150 लोगों ने देखा है, चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी। तो ये काम सालों में मुकम्मल होता है, आपको बहुत वक्त लगता है ऑडियंस ग्रैब करने में, और उसके बाद फिर आपको जब थोड़े थोड़े पैसे डॉलर्स आने शुरू होते हैं तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है। तो मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा मैसेज है किस तरह से अपने करियर का आगाज करें और अपना अपनी जगह बनाएं। सामिया, मेरा मैसेज ये है कि मेरी तरह कोई भी ना बस आंखें बंद करके सिर्फ ये ना सोचे कि मैस कॉम करना है, अपने गोल्स क्लियर रखें। जो मुझसे गलती हुई, मैं नहीं चाहूँगी कि बाकी लोग करें, कि जब आपके गोल्स क्लियर ना हो, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, आपको नहीं पता आपने आके क्या करना है, आप पहले ये सोचें कि आप करना क्या चाहते हैं। आपने प्रोडक्शन की फील्ड में जाना है, आपने एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, जो भी बनना है आपके माइंड में क्लियर हो, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करें और फिर उस लाइन को पकड़ के चलें। और ये मत सोचें कि आपने मैस कॉम पढ़ लिया, बड़ा इधर जॉब मिल जाएगी, इधर ये, ऐसे नहीं। आप अपने गोल्स क्लियर रखें, आपने बनना क्या, आप करना क्या चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सोच के पहले ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, फिर आप गोल्स क्लियर करें, उसके बाद आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। मैम, आप एंड में क्या कहना चाहेंगी कि हमें अपनी सकाफतों को, हमें अपनी उर्दू जुबान को किस तरह से आगे लेके जाएं, किस तरह से बच्चों को वापस इसमें लेके आए, या पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो क्या करें ऐसा अपने बच्चों की तरबियत में, वो क्या ऐसी चीज़ लेके आए कि वो बच्चे सीखें। ये आखिरी बात सामिया बहुत लंबी बात है, लेकिन हम इसको एक दो जुमलों में इसको हम ख़त्म करते हैं। सकाफत किसी भी कौम की पहचान है, हमें अपनी सकाफत पर ना शर्मिंदा होना चाहिए और ना ही हमें अपनी सकाफत के बारे में किसी किस्म का कोई एहसास कमतरी रखना चाहिए। सकाफत को मज़हब से दूर रखिए। सकाफत एक अलग पहचान है और मज़हब एक अलग पहचान है। जब भी हम इन दो चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, तब ना हमारे पास सकाफत अपनी असल शक्ल में बचेगी और ना ही मज़हब अपनी असल शक्ल में बचेगा। इसको महफूज करें, और इसको महफूज करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम कुछ इमारतें महफूज कर दें। हम उन मुर्दा रिवायात को जगाएं जो हकीकतन हमसे मंसूब हैं और हमारे बुज़ुर्ग जिनसे मंसूब थे। हमें चाहिए कि हम वही चौपालों का और वही कहानियों का कल्चर हम दोबारा ज़िंदा करें। ये हमारी उर्दू ज़ुबान के लिए भी
बेहतरीन साबित होगा और हमारी सकाफत भी इससे दोबारा जिंदा होगी। जी, जी। और हम यकीनन सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो इस रिवाइवल में अपना अपना हिस्सा डाल दें और हमारी आने वाली नस्लें हमारी इस मेहनत को इसका फल पाएं और हम दोबारा अपनी जुबान पर वैसे ही फख्र कर सकें जैसे हमारे अबा उस्ताद करते थे। चले मैम, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना बिजी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमें दिया और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जो कहते हैं बातें चलती रही ऐसी आगे, लेकिन अब आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमें, मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।